इंडिया में रोड्स की हालत तो आपको पता है, लेकिन कंप्लेन करने से पहले इस स्टोरी के बारे में जान लें। इसके बाद आप नेक्स्ट टाइम इंडियन रोड्स या गवर्नमेंट को बुरा भला नहीं कहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी इंसानियत है। वैसे इतिहास में सिर्फ एक रोड बनाने के लिए 20 लाख लोगों की बलि दे दी गई थी। क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे डरावना रोड कौन सा है? और क्या आप ये जानते हैं कि इस रोड की हर एक मीटर बनाने के लिए एक इंसान की जान गई थी? चलिए आज हम जानेंगे रोड ऑफ बोन्स यानी के कलीमा हाईवे के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं तरन मिस्ट और स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। रशिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में एक जगह है, इसका नाम है मगदान। 1932 में इस जगह पर सोना, टिन, प्लैटिनम आदि जैसे मेटल्स होने के सबूत मिले। तब जाके उस वक्त के डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन ने इस नेचुरल रिसोर्स का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ रोड बनाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन ये कोई सामान्य जगह नहीं थी। यहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में -70 डिग्रीज और सामान्य दिनों में -50 डिग्रीज तक चले जाता था। स्टालिन ने काफ़ी सारे कैंप्स उन लोगों के लिए बनाए थे जो कि स्टालिन के खिलाफ थे। इस कैंप में लाए जाने वालों को बहुत टॉर्चर किया जाता था। ये लोग सामान्य लोग थे और इनमें से कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यहाँ तक कि बैंक क्लर्क्स भी थे। मगदान में कैंप बनाया गया और इन्हीं लोगों का इस्तेमाल स्टालिन ने कलीमा रोड बनाने के लिए किया। सुबह 6 बजे ये सभी वर्कर्स उठ जाते थे और शाम 8 बजे तक बिना खाना पानी जी तोड़ मेहनत भरा काम करते थे। यहाँ का टेम्परेचर और हालात इतनी खस्ता थी कि हर दिन लोगों की डेथ होती थी। एट लास्ट 1932 में इस रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1953 में कंप्लीट हो गया। इस रोड को बनाते बनाते 20,31,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और जब काम करते करते किसी की मौत हो जाती थी तब उसकी बॉडी और बोन्स रोड बनाने में इस्तेमाल की जाती थी। आप अगर इस दर्दनाक दृश्य को विजुलाइज करना चाहते हैं तो आप KGF चैप्टर 1 मूवी देख सकते हैं, जहां गोल्ड माइन में लोगों की हालत खस्ता थी। कहा जाता है कि इस रोड की कुल लंबाई 2031 किलोमीटर है और हर एक मीटर बनाने के लिए एक इंसान की जान गई थी और उसी इंसान की बॉडी और बोन्स यूज की गई थी उस हिस्से का रोड बनाने के लिए। आज भी जब लोग इस रोड पे से जाते हैं तो उन्हें एक अजीब फीलिंग महसूस होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।